गगन चुरंगी के साइड के ना सारा पानी जमा होता था एक जगह पे और फिर ये सारे इलाकों में अंदर गलियों में जो है पानी पानी हो जाता था। को लिंक किया जा रहा है गुजर नाले के साथ। खुदाई हो रही है, मजदूर लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह करे कराची में जिस तरह काम चलना शुरू हुए ये चलते रहे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोग आज मौजूद हैं नाज़ाबाद के एरिया में। पीछे आप मेरे देख सकते हैं लंडी कोतल की चुरंगी है। और ये जो अपडेट आप लोगों को दिखानी थी आज, इसकी रीज़न ये है कि नाज़ाबाद में जब भी बारिशें होती हैं, पूरे कराची में जब भी बारिशें होती हैं, तो उसमें होता ये है कि नाज़ाबाद के एरिया में, नॉर्थ कराची के एरिया में, स्पेशली नागन के एरिया में इतना पानी खड़ा हो जाता है कि गाड़ियों का वहाँ से गुजरना क्या, तैरना आसान हो जाता है, गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो उस गाड़ियों को तैरने से बचाने के लिए ये एक नाला बनाया जा रहा है। तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर इसकी जो है इसकी लेंथ होगी और इसको लिंक किया जा रहा है गुजर नाले के साथ। तो ये बेसिकली अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये सारी वो नाज़ाबाद की फूड स्ट्रीट है जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। मैं ये सारी फूड स्ट्रीट के सेंटर से ये नाला गुजरेगा और आगे जाके ये गुजर नाले में लिंक कर जाएगा। अभी यहाँ पे हमने कुछ ड्रोन शॉट भी बनाए हैं, आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। आगे काम भी चल रहा है, काफ़ी स्पीड में चल रहा है क्योंकि काफ़ी रश वाला एरिया है। और यहाँ पर आप अगर ये देखते हैं कि यहाँ पर कितनी क्योंकि एरिया जो है कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं खाने की। अगर आप काउंट मैंने जैसे की थी तो मोर देन 70 शॉप्स हैं यहाँ पे जो सिर्फ फूड स्ट्रीट के तौर पे अगर आप लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की तो लाजमी करें आके। और काम यहाँ पे बहुत चल रहा है और तेज़ी से चल रहा है काम, क्योंकि इस शहर को बहुत देर तक आप ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि ये मेन एक लिंक है नाज़ाबाद और आयशा मंजिल वगैरह के बीच में जो रोड है ना, और ये फूड स्ट्रीट रात में बिल्कुल जैम पैक होती है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको ये लोग इसका काम मुकम्मल करेंगे। ये देखें जी, ये इस टाइम पे सीमेंट का ये जो है ट्रक वगैरह जो इस टाइम पे जा रहा है, काम जो है बड़ा ज़ोरों शोर से इस टाइम पे यहाँ पे चल रहा है। और अभी हम लोग आस्ता आस्ता वॉक करते हुए आगे जा रहे हैं, वहाँ भी देखें वो काम चल रहा है सामने, वो एक क्रेन है, ड्रिलिंग हो रही है, खुदाई हो रही है, मजदूर लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह करे कराची में जिस तरह काम चलना शुरू हुए हैं ये चलते रहें और हम लोग आपको अपडेट देते रहें। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं ये पीछे ये जो है सीमेंट का माल वगैरह जो हम अपने ज़माने में बोलते हैं तैयार करके यहाँ पे डाला जा रहा है और साथ साथ जो है ये इसको फैलाव कर रहे हैं ताकि ये नीचे की जो बेस है इसकी ये मज़बूत हो जाए। जैसे मैं आप लोगों को बताया है कि दोनों अतराफ़ में जो है वो फूड स्ट्रीट है और तकरीबन हर किस्म का ब्रांड जो है यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो पिज़्ज़ा मैक्स हो, कबाब जी हो, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ पे। एक दफ़ा मैंने काउंट भी की थी तो तकरीबन 70 से ज़्यादा यहाँ पे जो हैं खाने की दुकानें हैं। आप अगर यहाँ पर आएँ शॉप्स के ऊपर विज़िट करें तकरीबन आपको बर्गर से लेके पिज़्ज़ा हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। लेकिन जब यहाँ बारिशें होती थी तो यहाँ पर हाल ये हो जाता था कि बहुत सारे लोग ना एक फ़नी क्लिप्स बना बना के जो डालते थे कि लोग अपनी ना तैरते हुए जा रहे होते थे पानी में। मैंने बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं, वो नाज़ाबाद के ही हैं ज़्यादातर, नाज़ाबाद या इधर के नागन चुरंगी के साइड के ना सारा पानी जमा होता था एक जगह पे और फिर ये सारे इलाकों में अंदर गलियों में जो है पानी पानी हो जाता था। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है हुकूमत की तरफ से कि ये सारे काम हो रहे हैं। अब ये वफाकी हुकूमत करा रही है या सिंध हुकूमत करा रही है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, कोई भी कराए, मेन चीज़ ये है कि काम होना चाहिए। से एक अपडेट जो आप पीछे औरंगी टाउन का नाज़ाबाद का सारा जो पानी था वो कहीं भी लिंक करने की जगह नहीं थी, लेकिन अभी ये एक अच्छा स्टेप हो गया है कि एक लिंक बना दिया गया है। तो किस तरह काम चल रहा है मुझे बहुत उम्मीद है कि जैसे आज 15 दिसंबर है, 15-16 जो भी है ये तारीख है, आज तो मैक्सिमम जो है एंड ऑफ जनवरी ये रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद जो नगली बारिशें होंगी तो इसके अंदर हम लोगों को कराची में जो नाज़ाबाद में रहने वाले हैं आसपास उनको काफ़ी सहूलत हो जाएगी। तो इस वीडियो को अब यहाँ एंड करते हैं, बैटरी एंड हो रही है तो लंबा नहीं करेंगे, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।